Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of prep. Hello friends, welcome back to our YouTube channel Kitanshu Vlogs. Good morning. Good morning. कैसा रहा? बढ़िया रहा, एकदम अच्छी नींद आई. मतलब पता ही नहीं चला कि हम टेंट में सोए हैं. यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे घर के बेड पर आराम से हम सो रहे हैं. कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं है ना. एकदम देखो ऐसा है बेड हमारा, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा घर का ही बेड होता है पूरा. चलो बढ़िया है. अब अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है, मतलब यूजफुल है बहुत. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी नहाने का तो कोई सीन नहीं है. दिन में घर पे पहुँच के तभी नहाएंगे. अभी हम अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं. फेस वॉश कर लिया हमने हमारे स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश से अरोमा मैजिक का, और शोना जी ने भी अपना फेस वॉश कर लिया है. मॉइस्चराइज़र हम अप्लाई करेंगे इसके बाद, और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे सनस्क्रीन. क्योंकि हम जब घर से बाहर होते हैं या जब हम घर में भी होते हैं तो हमारी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती है यूवी रेजिस से, जो कि सन में तो बहुत ही ज़्यादा होती है. तो इसलिए हमें सनस्क्रीन वगैरह अच्छे से अप्लाई करके रखना चाहिए. तो बहुत अच्छा सनस्क्रीन है यहाँ पे. मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ, यहाँ पे भी यही यूज़ कर रही हूँ, एक्वालॉजिका का. आप भी यूज़ कर सकते हो. तो ये अच्छे से लेनी है, कम कम नहीं लेनी, अच्छे से लेनी है और अपनी पूरी स्किन पे अच्छे से अप्लाई कर देनी है. और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको 3 घंटे में 4 घंटे में रीअप्लाई भी कर सकते हो अगर आप घर से बाहर हो तो. और फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है. ये सारी चीज़ें मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, इसीलिए आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ. क्या नाम है? बिट्टा मंदिर, बाबा जी का मंदिर है ना, तो बड़ी मशहूर जगह है बाबा जी की. इतनी दूर दूर से लोग भी आते हैं मंदिर. सो गाइज, हम कैंपिंग के लिए आए हुए थे. हमको जाना था जम्मू में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में चिनका जगह है, वहाँ पे डैम है, वहाँ पे वहाँ जाना था. मगर हम शाम को काफ़ी लेट हो गए थे, तो हम चाहते थे कि हम शाम होने से पहले हमें कोई व्यवस्थित जगह मिल जाए जहाँ पे हम सेटअप कर लें अपना अंधेरा होने से पहले. तो हम यहाँ पे बाबा बिड्डा करके जगह है, यहीं पे रुक गए थे. यहीं पे हमने रात को कैंपिंग करी थी और बहुत अच्छा लगा था. हमने फ़र्स्ट टाइम ग्राउंड टेंट सेटअप करा था और वो एक्सपीरियंस करने के लिए ही हम बेसिकली इस बार निकले हैं अपनी ट्रिप पे, तो वो हमने किया था. आपको अगर देखना है कि ग्राउंड टेंट में हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, या आप भी देखना लेना चाहते हो ग्राउंड टेंट, तो आपके लिए वो वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा. आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो अब गाइज़, हम नेक्स्ट डे है और हम निकल रहे हैं अब यहाँ से आगे चिनका के लिए, जहाँ पर हमने जाना था. उससे पहले मैं आपको यहाँ का व्यू भी दिखाती हूँ. और देखिए, यहाँ पे हम रुके थे रात को, वो जगह मैं आपको दिखाती हूँ. नाइट कैंपिंग भी करी थी हमने यहाँ पे, तो खाना वगैरह भी बनाया था. तो हमने एकदम मतलब कोई गंदगी नहीं फैलाई है यहाँ पे. यहाँ पे क्या मतलब, हम जहाँ जहाँ पे भी कैंपिंग करते हैं कहीं पे भी हम गंदगी नहीं फैलाते. वो सारा कूड़ा इकट्ठा करके जहाँ पे भी हमें रास्ते में डस्टबिन मिलता है, अगर नहीं भी मिलता तो हम घर जाके उसको डस्टबिन में डालते हैं. तो ये थी जगह. यहाँ आपको थोड़ी सी घास बैठी हुई दिख रही होगी. यहाँ पे हमारा कैंप लगाया था हमने, टेंट लगाया था. और ये है जगह, ये मंदिर की जगह है. यहाँ पे बाबा बिड्डा जो है मंदिर हम रुके थे. आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखना, उसमें हमने बताया यहाँ पे पास ही में एक बहुत अच्छा सा कैंपिंग ग्राउंड टाइप भी है. ये तो चलो इनडोर हो गया ना थोड़ा सा, मगर वो कैंपिंग ग्राउंड बहुत अच्छा है. हम वहाँ पर रुकने वाले थे वहाँ पर,
वो जगह, मगर वहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ थी थोड़ा सा आगे पीछे, तो उस वजह से हमें लगा कि कोई सांप वाप का डर ना हो। हमने लोकल से पूछा कि यहाँ पे हम रुक जाएं, सेफ है? तो उन्होंने कहा वैसे तो सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत सिर्फ इतनी आ सकती है कि मौसम है बरसातों का और झाड़ियाँ वगैरह बहुत आसपास हैं, कोई सांप कोई उस तरीके का कीड़े होते हैं, तो इसलिए आप यहाँ रुक जाओ। उन्होंने हमको ये ऑप्शन दिया और हमने फिर यहाँ पे आके देखा तो हमको भी अच्छा लगा कि चलो ग्राउंड टेस्ट तो करना है तो कोई सेफ ही जगह हो। और यहाँ पे ये गांव है और बहुत अच्छा लगा। अभी हमको गांव के लोग आ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं ना हमें, तो वो हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो एक आंटी अभी यहाँ पे आई थी, अब हम उन्होंने हमको अपने घर बुलाया है, तो चाय कह रही थी कि चाय पियो हमारे साथ, तो हम थोड़ा सा उनके घर जाएंगे। चाय तो हमारा पीने का भी मन नहीं है, मगर उनसे मिलते हुए फिर यहाँ से निकलेंगे। और आपको मैं दिखाती हूँ मंदिर, ये है बाबा बालक सिद्ध महाराज पूरा नाम है, और जय बाबा बिड्डा जी कहते हैं। ये मंदिर है और यहीं पे देखिए ये जगह है लंगर स्थान यहाँ पे, और वो हमारी गाड़ी लगी है, यहीं पे हम रुके थे। अब हम थोड़ा से दर्शन कर लेते हैं पहले और उसके बाद जाएंगे आंटी के घर। बोले बाबा, जय बोले बाबा, सबके फेवरेट बाबा, सबके फेवरेट भोले बाबा। आज ये है आंटी का घर जो अभी हमारे पास आके हमको इनवाइट करके गई थी, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा उनसे मिल लेते हैं। बस बस नहीं, हम नहीं, आप कुछ नहीं फॉर्मेलिटी करो, फॉर्मेलिटी की बात नहीं है। हाँ हाँ, जो तो ले लद्दाख से आई है। अच्छा अच्छा, हरी वाली लाई है, वो भी टेस्ट कराऊं जम्मू में, कोई डीसी का पता नहीं कौन था। हेलो, गुड मॉर्निंग, बता मिलो ना भैया से, जो मिलो हेलो करना, चलो हेलो करो ना, जाओ पा जाओ, हेलो करो। अरे वाह, मेरी बात सुनो आंटी, आप ना बिल्कुल कोई फॉर्मेलिटी नहीं करो, मैं ये ले रही हूँ, चक्री हूँ मैं, ये मैंने चक्री साथ में ले जाना। बस हम ना निकलने लगे थे, आंटी आए ना हमको अच्छा लगा, बुला रहे थे, मैंने कहा मिलके चलते हैं उनसे, बस नहीं 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 बस बस सब कुछ है, हमने इतनी सुबह सुबह ना आदत नहीं है एक्चुअली, तो अब आपने बताया था वहीं पे जाएंगे, वहीं पे अपना प्रिपेयर करेंगे ब्रेकफास्ट वगैरह, बोले जाना साथ में, कोई बात नहीं जी, अभी उधर हमने आगे भी निकलना ना, फिर शाम तक घर भी पहुंचेंगे, कल स्कूल दफ्तर सब कुछ है। जम्मू? हाँ हाँ, जम्मू मेन सिटी से। ठीक है, चलो जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ऐसे ही होता है कि ऐसे जाते हैं कहीं, लोकल मिलते हैं लोग, ऐसे बातचीत हो पाती है ना। क्या हुआ? अरे अच्छा, देखिए फ्रेंड्स, क्या आप कभी ऐसे सोच सकते हैं कि आप किसी अनजान से इस तरीके से मिलेंगे और आपको इतना प्यार मिलेगा? इतना अच्छा फील तभी होता है जब आप लोकल जगहों पे जाते हो और लोकल लोगों से मिलते हैं, बहुत मासूम होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत ही अच्छा लगा आंटी से मिलके। चल पड़े बाबा बिड्डा से चिनका की तरफ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ पहले कहाँ पे सोचा था कि हम करते हैं कैंपिंग, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गाइस, ये है सामने ये जगह, भैंसे जहाँ पे घास चल रही हैं उसके पास बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, ये देखो। तो यहाँ लोकल्स ने हमको बोला कि यहाँ पे आप मत रुको, यहाँ पे फिर सांप वगैरह और कुछ जहरीले कीड़े वीड़े होते हैं, तो वो सेफ नहीं रहेगा, तो आप वहाँ पे रुक जाओ। तो इसलिए फिर हम वहाँ पे रुके जहाँ पे आपको दिखाया था पहले। गाइस,
ये देखो यार, ये देखो कितनी प्यारी जगह है। फ्रेंड्स, हमारे जम्मू में J&K, मतलब कश्मीर तो बहुत फेमस है ही कि बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, मगर जम्मू भी बहुत प्यारा है यार। ये देखो आप, ये देखो, मतलब हम तो यहाँ पे तुक्के से पहुंच गए। हमको जाना था चिनका डैम, जो है कहीं, जो मतलब वो जो पॉपुलर प्लेसेस होती हैं, देखिए वही पता होती हैं। हमको जाना था वहाँ, हम एक्चुअली कल लेट निकले क्योंकि हमारे बच्चे का PTM था, तो पहले स्कूल जाना था, फिर स्कूल से आके फिर उसके बाद तैयारी शैयारी करी फिर आए, तो हम यहाँ पे लेट पहुँचे। 3 घंटे का है, ज़्यादा नहीं है, 2.5 से 3 घंटा लगता है जम्मू से चिनका के लिए। तो हमने फिर शाम हो गई थी तो हम फिर यहीं पे रुक गए। तुक्के से मतलब हमको ये जगह मिली है, ये सियाड़ बाबा वाला रास्ता नीचे। वाओ, हम लोग ऐसे ही इतनी दूर दूर तक वो करते हैं ना कि इधर जाना उधर जाना इधर, अच्छा मगर थोड़ा सा हमको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हमको मेहनत करने की ज़रूरत है हमको अपने आसपास। मतलब जम्मू भी बहुत प्यारा है, मेन सिटी में वो तो बहुत भीड़ और सब कुछ है, बट आप सिटी से निकल के जब थोड़े से साइड्स वाले एरिया में जाते हो ना, ये रियासी पड़ता है, मंदिर है बाबा बिट्टा जी का और उन्हीं के नाम से ये जगह है, तो बाबा बिट्टा जगह है ये, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। थैंक यू जिन्होंने भी हमें रेकमेंड किया था ये जगह के लिए, वो रास्ते में हमें मिले थे मगर उनका हम वीडियो नहीं बनाया, हमने सब्सक्राइब करवाया था शायद आपने, वीडियो नहीं बताया, ओहो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सबको बताया करो। अभी अब देखो हम उनको थैंक्स कर रहे हैं मगर वो देख ही नहीं पाएंगे हमारा, तो पुलिस वाला भैया थे और उनके साथ वहाँ पे और भी लोकली थे पुलिस वाले भी, और वो थे, उन्होंने हमें इस जगह के बारे में बताया रास्ते में ही, बट वो हमारी वीडियो देख नहीं पाएंगे। सर जी उनसे बात करने गए थे मगर उनको बताया नहीं कि यार हम यूट्यूबर्स भी हैं, बता देते तो वो सब्सक्राइब भी कर लेते और अपनी, हम उनको थैंक्स कर रहे थे वो सुन के उनको अच्छा भी लगता। चलो खैर कोई बात नहीं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए लग चुकी है हमारी टेबल और खुल चुका है हमारे किचन का पिटारा, ये अपने डैम के सामने। हमको यहीं पे बहुत अच्छा लग रहा है, वहां पे पता नहीं हमें कैसी लोकेशन मिली कैसी नहीं, यहाँ पे रास्ते में रोड साइड पे हमको बहुत अच्छी लोकेशन भी मिली, बहुत अच्छा व्यू सब कुछ आ रहा था, तो बार बार मन गाड़ी रोक के हम बार बार रुक रहे थे ऐसे ही, तो हमने सोचा जब हम ऐसे ही रुक रहे हैं तो हम यहीं पे खाना बनाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं और यहीं पे खाते हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि हम कैसे रुके हैं, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता अगर हम आगे चले जाएं वहाँ पे हमको अच्छी लोकेशन में भी ना मिले। ये देखो पीछे व्यू, ये हमने सामान निकाल लिया है, ये लगी है जी हमारी गाड़ी। यहाँ पे हमने अपनी किचन भी ओपन कर ली हुई है, ये देखिए इस प्यारे से डैम व्यू के साथ। और हमने यहाँ पे रोड साइड पे ये मिल गई जगह, मतलब अच्छी थी, यहाँ पे छांव वगैरह भी है पेड़ की। तो ये देखिए हमारी गाड़ी और ये रोड, कुछ ऐसा व्यू है, ये देखिए। शोना जी का गाड़ी में बेड एज यूजुअल रेडी, आराम से बैठ के कॉफी पी रहा है शोना, कॉफी तो नहीं, नाम के लिए कॉफी है, हल्की सी दूध ही है शोना जी पी रहे। और ये जा चुकी हुई है हमारी मैकरोनी उबलने के लिए, और ये रही जी मेरी कॉफी। ये सर पी रहे हैं कॉफी, ये मेरी कॉफी, और ये है हमारी आज ब्रेकफास्ट और कॉफी का व्यू।
अभी हमने मैक्रोनी बॉईल करके निकाल ली है, ये देखिए। और यहाँ पे बस अभी वेजेस काट रहे हैं इसी में डालने के लिए। मेरे लिए इतनी सहूलियत हो गई, देखो भैया ऐसे लग रहा है ऑफिस में बैठ के, जैसे खाना बनाना मेरा ऑफिस का काम है, चेयर और टेबल पे मैं खाना बना रही हूँ बैठ के, जैसे लोग ऑफिस में काम करते हैं। ये जा रही है इसमें सबसे पहले प्याज, और साथ ही साथ शिमला मिर्च भी डाल देंगे जब हल्की सी प्याज हो जाएगी। आहिस्ता 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 मैकरोनी ऐड कर रहे हैं हमारे पापा जी। ये हमारे सोना जी, ये जी सोना जी खा रहे हैं मैकरोनी, हम लोग भी खाने लगे हैं पापा जी मैकरोनी। हाँ जी बताइए कैसा है। अच्छी है वो। करते हैं टेस्ट अपनी बनी हुई मैकरोनी। एक्चुअली मैकरोनी ना हम तीनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस हमने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह भी सब कर लिया है, तो मज़ा आ रहा है। यहाँ से फिर अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे, और जो डैम है, डैम जो हम आपको दिखा रहे हैं तब से इतनी देर से, उस डैम के आसपास कहीं थोड़ा जाएंगे, वहाँ पे भी कोई एरिया है, बट ऐसे ही थोड़ा सा घूमते हुए फिर घर को निकलेंगे हम। मेरे को लगता है सोना जी को आ रही है नींद। सोना जी, ओ सोना जी निन्ना आ रही है ना? शून्य है, आप कह रहे हैं शून्य में विचरण हो रहा है। ओ भैया अभी शून्य में विचरण करने के लिए बहुत छोटे हो आप। अच्छा आप शून्य में विचरण ये करो कि अगले पेपर्स में मेरे रिमार्क्स अच्छे आएंगे। बोलती बंद हो गई सोना जी की शक्ल, देखो जरा शक्ल, पढ़ाई के नाम पे बच्चों की शक्ल ऐसी क्यों बन जाती है? आप लोगों के बच्चों की ऐसी शक्ल बनती है या वो अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं? कि थोड़ा बताना मुझे भी, ज्ञान देना। ये देखो पता नहीं यार, ये देखो तो ये देखिए हम डैम क्रॉस करके आए थे, तो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस उन्होंने मना कर दिया कि आप वहाँ पे वीडियो नहीं शूट कर सकते। तो ये देखिए कितना सारा, मेरे को तो आगे जाते हुए भी डर लग रहा है। ये देखिए क्या व्यू है। देखिए ऐसे लग रहा था कि एकदम रोड नीचे चुनाव में ही जा रही है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे टायर की गाड़ी की हालत, ये वहाँ पे कीचड़ थी उसके अंदर फंस गया था, तो अब हम आगे यहाँ पे गाड़ी नहीं लेके जा रहे, पैदल ही जा रहे हैं। और ये है देखिए मेन जो चिनका का स्पॉट है, जहाँ पे कहते हैं जो फेमस है वो ये है।
और बहुत ही अच्छा हुआ कि हम यहाँ पे कैंपिंग के लिए नहीं आए कल। एक तो खुली धूप पूरे में, ग्राउंड तो है बेशक मगर ये पूरे ग्राउंड में पानी है और कीचड़ ही कीचड़ है, तो यहाँ पे हम टेंट, ग्राउंड टेंट तो बिल्कुल नहीं लगा पाते। गाइस कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अगर हम वहाँ पे कल रुक गए जहाँ हम रात को हमने स्टे लिया है, मेरी हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाके आप चेक कर लेना, तो बहुत ही अच्छा हुआ कि हम वहीं पे रुक गए। यहाँ पे आते तो हम कैंपिंग नहीं कर पाते। एक तो देखो कितनी धूप है, अब चलो टार्प भी है हमारे पास मगर इतनी खुली धूप में तो गर्मी बहुत लगती, मौसम ही गर्मियों का है क्योंकि। सो अच्छा डिसीजन था जो हमने कल ले लिया था वहीं पर रुक के। तो गेट खुले होने की वजह से कभी भी पानी ऊपर चढ़ सकता है, कुछ भी है, तो यहाँ पे बहुत रिस्की रहता। बहुत अच्छा हुआ यहाँ नहीं आए। चलो फ्रेंड्स, ये जगह बहुत सुंदर है मगर इस टाइम पे यहाँ पे आना टोटली वेस्ट था। तो चलिए अब हम घर की ओर चलते हैं, मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर और किसी अच्छी लोकेशन पे कैंपिंग करते हुए। तब तक के लिए आप हमारा चैनल बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा, प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय।